आपको बताते हैं कि दो नंबर पे स्वास्थ्य के मामले में भोपाल नंबर दो पे आया है, लेकिन सब सच्चाई ये है कि यहाँ पे लाखों टन कचरा जमीन के अंदर जो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा था वो दबा दिया गया है। और यहाँ के पहले 1990 से सरकार को ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जहरीला कचरा दबा हुआ है, जिससे लोगों को जहर पीने पे मजबूर किया गया है। यहाँ पे घर घर में हैंडपंप थे, उससे पानी पिया जाता था, लेकिन सरकार को कान पे जू नहीं रेंगी। हम लोग भोपाल से दिल्ली तक पैदल यात्रा करके गए और बताया कि यहाँ के पानी जहरीला है। यहाँ की 14 बस्तियाँ जहरीली थी, उसके बाद 22 बस्तियाँ हो गई, 22 के बाद 44 हो गई, 44 के बाद 48 हो गई, 52 हो गई। अब ये कुछ दिन की बात है कि पूरा भोपाल इस जहर से ग्रस्त हो जाएगा और जैसे भोपाल का जहर रहने के काबिल भी नहीं रहेगा, लेकिन सरकार को इसकी कोई ध्यान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सरकार कंपनियों के दरवाजे तो खोल रहे हैं, लेकिन भोपाल की तरफ उनका ध्यान नहीं है कि भोपाल रहने के काबिल नहीं बचा है। परेशानी अभी ये है कि बस सीने में दर्द होता है, खाना ज्यादा लगता नहीं है, जब देखो तब हाथ पैर में दर्द, ये सीने में दर्द, और फिर वो क्या नाम से सर बड़ा बड़ा लगता है, आंखों में जलन, ये होता है। Hi, I'm Vaishnavi. I come from Chennai. I'm here for the solidarity of the Bhopal people. We visited the factory yesterday and we saw how much the people and the children and the women have been affected because of the gas tragedy. And even after 35 years of the tragedy, the situation has not changed for the people because the rehabilitation has not reached them. The welfare scheme by the government has not reached them. Still, the factory has not been cleaned. The groundwater has been polluted more and more day by day. I think we are in Tamil Nadu, we are also facing a lot of projects in the name of development. A lot of natural disasters have been continuously happening, and we know the effects of what all these projects would do to the people and to the nature, and hence here, we are here for the support of Bhopal people. Thank you.